सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कल हमने अपने टेस्ट पढ़े, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट वन कल ख़त्म कर चुके हैं हम वापस से। एक बार पहले पढ़ चुके थे, एक बार दोबारा से रिवीजन क्लासेस में भी ख़त्म कर चुके हैं। आपसे हम अपना वही पुराना यूनिट टू शुरू करने वाले हैं जो आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगता था। ठीक है, आई होप इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। और CSA एंड CSB, जो कोई अभी लेक्चर देख रहा है, उम्मीद कम है, कमी लोग देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोग आओगे, अटेंडेंस लिखोगे और गायब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो, लेक्चर एटलीस्ट देख तो लो। नोट्स तो बनाने नहीं है, तो इतना कीजिए कि लेक्चर तो देखिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट से टच बना रहेगा तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ। तो एज यूजल पहला पेज सब जानते हैं, ठीक है ना, बार बार वही सब। तो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट टू का पहला लेक्चर है। ठीक है ना, यूनिट टू, आई होप नाम सबको याद हो। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड भी याद होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड याद होगा सबको, BT 203, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे यूनिट वन अभी भी लिखा रह गया है, एक्चुअली में आज हम यूनिट टू शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, यूनिट टू। तो ये हैं आज के टॉपिक्स, ये सब हमको अभी इस लेक्चर में बहुत ही जल्दी जल्दी में, बहुत ही एक नॉर्मल स्पीड में, जल्दी जल्दी में नहीं, नॉर्मल स्पीड में इन सब टॉपिक्स को हम देखेंगे, इनको समझेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो प्रॉपर मैकेनिकल से रिलेटेड है। मेजरमेंट, मेजरमेंट तो हर फील्ड में होता है, तो कहीं भी काम आएंगे आपको, तो प्लीज़ साथ में रहिए, पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए। तो जैसे कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेजरमेंट से, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार के मेजरमेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होता है, पहले भी बताया आप लोग को क्लास में। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी को प्रभावित करते हैं। एंड आफ्टर दैट एरर्स, क्या क्या एरर होते हैं मेजरमेंट के टाइम पे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे, उसके बाद कॉजेस ऑफ एरर देखेंगे, कारण क्या है उन गलतियों के। इन सबको कवर करने के बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम कल के लेक्चर में आगे की बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट, इसका इंट्रोडक्शन। तो मेजरमेंट होता क्या है, तो ये देखिए, ये होता है मेजरमेंट। डेफिनेशन सबसे पहले तो करते हैं कि मेजरमेंट, मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, माप तोल ये बोल सकते हैं, माप तोल बोल सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट मतलब माप तोल ही होता है। ठीक है ना, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ सर्टन पैरामीटर विथ नोन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ दैट पैरामीटर। सबसे पहले आपको जो भी चीज का मापन करना है, जो भी चीज मापनी है, सबसे पहले तो वो पैरामीटर पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली मेजर क्या करना है। मेजर क्या कर सकते हो आप, मास मेजर कर सकते हो, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। उसके बाद लेंथ मेजर कर सकते हो, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लंबाई, या फिर दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मेजर करते हो, टाइम मेजर करते हो, टाइम को क्या बोलते हैं, समय, काल। मास को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड, सॉरी लेंथ को मीटर्स में, टाइम को सेकेंड्स में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बताया था ये सब फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, मूलभूत इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। ठीक है ना, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेजर करते हैं हम, भार मेजर कर सकते हैं, वेट, वेट इसको किस में मेजर करेंगे, वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, या फिर किलोग्राम फोर्स में, KGF में। ठीक है, KGF, किलोग्राम फोर्स। हाँ, और क्या मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, गति, मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी पैरामीटर मेजर करना है, सबसे पहले उस पैरामीटर का एक नॉन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वो क्या होता है, सबसे पहले आप उसकी एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि पर्टिकुलर क्वांटिटी को, क्वांटिटी मतलब पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को मैं एक समझता हूँ, एक मतलब वन मतलब यूनिट मतलब इकाई, इकाई बोलते हैं, इकाई मतलब एक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। आप जब भी किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो किसी इकाई में करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप सारी यूनिट्स भूल जाइए कि आपको कुछ नहीं पता, और आपके सामने मैं एक ढेर लगा दूं, मान लीजिए किसी भी अनाज का ढेर लगा दूं, ठीक है, और आपसे बोलूं ये कितना अनाज है, तो आप इसको कैसे मेजर करेंगे।
आप नहीं जानते भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, कुछ नहीं पता, तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? आप इसको अपनी मुट्ठी में उठा के मेजर कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये 40 मुट्ठी अनाज है, कि 50 मुट्ठी अनाज है, कि 60 मुट्ठी अनाज है। तो आपकी एक मुट्ठी में जितना अनाज आता है वो उसको आप एक यूनिट समझते हैं। दैट इज यूनिट, दैट इज वन। आप किसी चीज को वन के बराबर मानते हैं और फिर उसी से कंपेयर करके उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वी मेजर इट विथ द थर्मोमीटर दैट हैज अ प्री डिफाइंड स्केल इंडिकेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर। सबसे पहले एक प्री डिफाइंड स्केल होता है, प्री डिफाइंड मतलब पहले से कैलिब्रेटेड स्केल। और आप लोगों को ध्यान होगा कि कैलिब्रेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देंगे आगे। यदि आप लोग को तापमान का माप करना है तो आपके पहले से ही एक प्री डिफाइंड स्केल, ये आपका थर्मोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है ऐसा, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी रहता है, यहाँ पे छोटा सा एक जगह रहती है जिसमें मर्क्यूरी क्या होता है, जैसे टेम्परेचर होता है तो मर्क्यूरी अथवा अर्थात पारा, पारा ऊपर चढ़ता है इसमें। क्यों ऊपर चढ़ता है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है तो हाइट बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर आएगा ऊपर चढ़ेगा, तो आपको पता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो मर्क्यूरी यहाँ तक चढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो यहाँ तक चढ़ जाएगा, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है तो मर्क्यूरी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, कैलिब्रेट करके इसको सेट किया गया है, तो इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मेजरमेंट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स, प्रकार क्या क्या हैं माप तोल के प्रकार। सबसे पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सीधा। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? इन दिस वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी इज मेजर डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा जो चीज सामने रखी है उसको उठाया और मेजर कर लिया। जैसे एक लाइन की लेंथ को आप स्केल से मेजर कीजिए, आपको कोई कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना है, आपको सीधा स्केल रखना है एंड यू जस्ट हैव टू मेजर द लेंथ। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। या फिर देखिए एक और है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर डायरेक्टली यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। तराजू, तराजू पे जो चीज रखते हैं वो भी एक एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट फिजिकल बैलेंस, या फिर इलेक्ट्रिक बैलेंस, या कोई भी प्रकार का जो तराजू होता है उससे आप जब भी वेट नापते हैं आप कोई उसमें गणित नहीं लगाते हैं, सीधा उसको उठाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं और आपका मेजरमेंट हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेजरमेंट का, ठीक है ना। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वेट निकालना है एक ब्लॉक का, ठीक है, आपको इसका भार निकालना है या फिर द्रव्यमान निकालना है। मान लीजिए आपको इस ब्लॉक का द्रव्यमान निकालना है, लेकिन आप काफी इंटेलिजेंट है तो आपने क्या किया, इसकी डेंसिटी पता है आपको, आपने इसकी लंबाई नापी, चौड़ाई नापी और ऊंचाई नापी, एल बी एच, और इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम निकाल दिया, डेंसिटी निकाल दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आप डेंसिटी से, डेंसिटी अथवा घनत्व से उसके आयतन का गुणा करके, देखिए यहाँ पे गुणा करना पड़ा है, घनत्व से आयतन का गुणा करेंगे तो आपको उसका द्रव्यमान मिलेगा। इंग्लिश में बोलूँ तो व्हेन यू मल्टीप्लाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम देन यू विल गेट द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे उसको वेट से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल जी या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा। तो ये जो है जिसमें आप गणित लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक होता है मेजरमेंट विथआउट कॉन्टैक्ट, बिना किसी संपर्क के हम माप तोल कर लें, तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे आपने किसी ना किसी मूवी में जरूर देखा होगा, जब कोई गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से क्रॉस होती है तो वहां पे जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं उनके पास एक 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 सेंसर होता है, वो सेंसर उस गाड़ी की तरफ करते हैं तो वो गाड़ी की स्पीड बता देता है, ठीक है ना। कैसे करता है? कुछ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इस टाइप का कोई उसमें वो रहता है, ठीक है, डायरेक्टली इस बेस पे काम करता होगा कि कितनी देर से कोई चीज उससे कोई रेडिएशन उस पे हिट करके वापस आता है, ठीक है ना, और उसके मूवमेंट को कैच करता है। तो ये एक तरीका होता है मेजरमेंट विथआउट कांटेक्ट। एक और एपरेटस होता है, इसको बोलते हैं पायरोमीटर, PYROMETER। आप तो सोचिए, आप लोगों को हमेशा सन का टेम्परेचर बताया जाता है, सन, सूर्य का तापमान, उसके कोर का तापमान क्या है, उसके अपर सरफेस का तापमान क्या है, उसके कोरोना, सॉरी कोरोना वाला नहीं, सन में भी कोरोना होता है, उसके कोरोना का तापमान क्या है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है? कोई थर्मामीटर लेके तो गया नहीं होता, तो वो टेम्परेचर मेजर किया जाता है पायरोमीटर से, ऑप्टिकल पायरोमीटर से। पायरोमीटर क्या करता है? रेडिएशन को कैच करता है और टेम्परेचर बताता है, क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा कि लाइट, लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं विब, इंग्लिश में बोलते हैं विब ग्योर, हिंदी में आई एम सॉरी हिंदी का नहीं पता मुझे, ठीक है ना, बैंगनी और नारंगी कुछ ऐसे कलर रहते हैं, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ठीक है ना, विब ग्योर। तो ये जो सेवन कलर्स हैं इनमें कलर्स क्यों आता है, इनके वेवलेंथ की वजह से, वेवलेंथ चेंज कलर चेंज। ओके, ऐसे ही जब आप किसी फ्लेम को देखेंगे तो फ्लेम कैसी दिखती है, ब्लू भी दिखती है, येलो भी दिखती है, रेड भी दिखती है, इंडिगो भी दिखती है, बड़े ढेर कलर रहते हैं। तो वो कलर क्यों आते हैं, उनके वेवलेंथ की वजह से। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, पायरोमीटर उसी वेवलेंथ को पकड़ के आपको टेम्परेचर बता देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है मेजरमेंट विदाउट कॉन्टैक्ट का। मेजरमेंट बाय कंपैरिजन, यहाँ पे भी वेट बैलेंस की मैं बात कर सकता हूँ। इन दिस मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद द नोन क्वांटिटी ऑफ द नोन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल स्केल से मेजर करना, डायरेक्ट मेजरमेंट में भी आप समझ सकते हैं उसको। एक आपके पास एक लाइन है, अब आपको इस लाइन का लेंथ तो पता नहीं, लेकिन आपके पास एक स्केल है और उस स्केल में पहले से मार्क है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। मतलब कंपेयर्ड विथ नोन वैल्यू, यहाँ नोन वैल्यू है सेम क्वांटिटी के, उसको उसके साथ रख के आप कंपेयर करते हैं और लंबाई बता देते हैं। तो यह है मेजरमेंट बाय कंपेरिजन। एक और होता है मेजर मेथड ऑफ डिफरेंशियल मेजरमेंट। देखिए डिफरेंशियल मेजरमेंट को कैसे समझेंगे, डिफरेंशियल मेजरमेंट क्या होता है, ये भी कुछ कुछ कंपेरिजन ही रहता है लेकिन ये थोड़ा अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेजर करना है कि वोल्टेज कहीं पे कितना है, ठीक है ना। अब जैसे अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं क्या बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, मतलब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, जब कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो बेसिकली आप उसके दूसरे एंड पे भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है और आप दूसरे एंड पे भी पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम आएगा कि करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो करंट का फ्लो जब रुक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल बढ़ाया था, ठीक है ना। आपको ये वाला जो आप बढ़ा रहे हो तो पता है, तो आपको यहाँ के पोटेंशियल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये एक एक, एक ये तरीका रहता है वोल्टेज मेजरमेंट में, बेसिकली यही काम आता है, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल मेजरमेंट, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये मेजरमेंट के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। डेफिनेशन से मुझे पता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिर भी डेफिनेशन देखते हैं। इन द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ रिपीटिशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ रिपीटिशन मतलब जब भी किसी चीज़ को मेजर किया जाता है, ठीक है, किसी एक चीज़ को या फिर किसी एक पैरामीटर को जो चेंज हो रहा है बार बार जब हम मेजर करते हैं, तो हमें ऑब्वियसली बात है रिपीट कर करके उसकी रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। डिग्री ऑफ रिपीटिशन इज काउंटेड फॉर सेम क्वांटिटी मेजरमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गैदर्ड फॉर द सेम क्वांटिटी अंडर कॉमन कंडीशन, ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और ये वाला डेफिनेशन देखिए। इट शोज द एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। आई होप एक्यूरेसी मतलब तो आपको पता होगा। एक्यूरेसी मतलब अगर यहाँ पे आपकी एक्यूरेट वैल्यू है तो आपकी जो रीडिंग है वो आपके एक्यूरेट वैल्यू के कितना नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जिसकी एग्जैक्ट लंबाई है 10 मिली, मान लीजिए 10 मिलीमीटर, आपने इसका मेजर किया, तो जैसे मान लीजिए आपने मेजरमेंट निकाला तो आपका मेजरमेंट आया 9.8 मिलीमीटर, आपके स्केल में कोई गड़बड़ है, आपके देखने में कोई गड़बड़ है, आपने 9.8 निकाला। आपका कोई दोस्त है उसने निकाला 8.9 मेजरमेंट मिलीमीटर, आपका कोई और दोस्त है उसने निकाला 5 मिलीमीटर, इनसे आप क्या बोलोगे किसका सही है। सही तो वैसे तीनों का ही नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसकी रीडिंग सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग के बहुत पास है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, बाकी दोनों तो कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जरा डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए ये रहा डायग्राम, सबसे पहला कंडीशन है लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। देखिए एक्यूरेट वैल्यू किसके अंदर आएगी, इसके अंदर, कहाँ आएगी, एकदम सेंटर पर। ये बुलजाई का एग्जांपल है, ये जो सेंटर है इस सेंटर पे एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, यहाँ सेंटर में। अब देखिए आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो कहाँ आ रही है, पहली रीडिंग कहीं यहाँ पे आई, दूसरी रीडिंग आपने कहीं यहाँ निकाली बिल्कुल बहुत दूर, तीसरी आप कहीं यहाँ निकाल रहे हैं, चौथी आप यहाँ निकाले, पांचवी यहाँ निकाले, छठवीं यहाँ निकाले, सातवीं आप यहाँ निकाले। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल सातवीं एक रीडिंग है जो एक्यूरेट है, और प्रिसीशन का क्या है, प्रिसीशन का कोई भरोसा नहीं। आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कोई भी रीडिंग दे रहा है, कभी 5 देता है, कभी 55 देता है, कभी 65 देता है, कभी 95 देता है, कभी 97 देता है, तो कभी पास पास भी देता है, कभी बहुत दूर दूर भी देता है। तो इसको बोलेंगे लो प्रिसीशन और लो एक्यूरेसी।
क्लियर है? ये कंडीशन है लो प्रिसिशन लो एक्यूरेसी का। देखिए उसके बाद मैं बात करता हूँ हाई प्रिसिशन की। हाई प्रिसिशन मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई गड़बड़ हो गई लेकिन फिर भी वो रीडिंग कैसे देता है, पहले 5 दे रहा है, उसके बाद अगली जो रीडिंग आप निकालोगे तो वो 5.001 दे उसी के पास में, उसके बाद आप अगली रीडिंग निकालोगे तो देगा 5.0011। ठीक है, उसके बाद आप अगली रीडिंग निकालेंगे तो वो देगा 5.00011। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी रीडिंग्स पास पास है, मतलब आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग जो है वो काफी आस पास है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाई प्रिसिशन। देखिए सारी वैल्यूज एक पास में आ रही है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से काफी दूर है। ठीक है, ओरिजिनल मान लीजिए, ओरिजिनल जो आप जो भी लेंथ मेजर कर रहे हैं ओरिजिनल उसकी लेंथ है 8 मिलीमीटर लेकिन आपकी मेजर में 5 आ रही है, 5.001 आ रही है, 5.0001 आ रही है, तो आपका प्रिसिशन तो अच्छा है, हाई है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बड़ी लो है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट से तो बहुत दूर है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हाई एक्यूरेसी लो प्रिसिशन। तो देखिए आपकी जो रीडिंग है वो क्या है, एक्यूरेट वैल्यू के बड़े पास में, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनमें काफी दूरी आपस में, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन प्रिसिशन बड़ा लो है। मान लीजिए 8 है तो कभी 8 दे रहा है, कभी 8.5 दे रहा है, कभी अचानक से 7.8 पे आ जाएगा, कभी अचानक से 8.3 देगा, मतलब इधर उधर होता रहेगा। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसिशन। और जो अगला है देखिए इसी के अंदर सारी रीडिंग आ रही है, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसिशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक्यूरेसी और प्रिसिशन मतलब समझ जाएगा, प्रिसिशन मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी रीडिंग आपस में कितनी कितनी क्लोज है। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेजरिंग सिस्टम को, तो बड़ा एग्जाम आसान है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना, सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है, मान लीजिए आपको कोई लेंथ नापनी है किसी बॉडी की, तो आपके हाथ में क्या रहेगा, आपके हाथ में रहेगा वर्नियर। ठीक है, वर्नियर कुछ कुछ ऐसा दिखता है ना, हाँ, इनर जॉस आउटर जॉस, यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पीछे से एक रहता है, इसके ऊपर रीडिंग रहती है, यहाँ वर्नियर की रीडिंग रहती है, तो वर्नियर आपके हाथ में वर्नियर है। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करते टाइम आपके वर्नियर में कोई गड़बड़ आ जाए, ठीक है ना, तो उससे रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है। कैसी गड़बड़ आएगी, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा वो कितना एक्सपैंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इट इज नॉट एन एक्यूरेट डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल ए है, मेटल ए है, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिलीमीटर एक्सपैंड होता है। ठीक है, कोई भी एक मेटल ले लीजिए एग्जाम्पल, कोई भी एक मेटल है ए, कोई एक मेटल है ए, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर एक्सपैंड होता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। और भी एक मेटल है बी, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के एक्सपेंशन में मान लीजिए 0.01 मिलीमीटर एक्सपेंड होता है। ठीक है, और आपने अपना वर्नियर ए से बना दिया, ठीक है, तो ठंडियों में जब आप ए से बनाएंगे तो एक्सपेंड होगा, तो सब कुछ एक्सपेंड होगा, इसकी जो रीडिंग्स है वो भी एक्सपेंड हो जाएंगी। तो जब आप ठंडियों के मौसम में रीडिंग लेंगे तो कुछ रीडिंग देगा, और समर सीजन में रीडिंग लेंगे तो कुछ ही रीडिंग देगा। तो इस केस में कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। देखिए ध्यान से, इसमें ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है ना, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सेम डिग्री टेम्परेचर में ज्यादा एक्सपेंशन ए में हो रहा है, जिसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड होता है। ठीक है ना, तो ये एक फैक्टर बड़ा इफेक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को। और ऑब्वियसली बात है, आप जो बॉडी मेजर करेंगे वो बॉडी अगर उसका है, क्या कहते हैं, मान लीजिए बॉडी किसी और मटेरियल का है, कोई मटेरियल है सी, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बिल्कुल ही एक्सपैंड नहीं हो रहा, ये 0.00001 एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी एक्सपैंड हो रहा है, तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसमें भी एक्सपेंशन, इसमें भी एक्सपेंशन, तो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर एक ब्लॉक है इसको मेजर करना है, अब मेजर करते टाइम आप थोड़ा तो फोर्स लगाते ही हैं, मान लीजिए आपका वर्नियर है, आप थोड़ा तो फोर्स लगाते ही मेजर करते टाइम, वर्नियर इसको थोड़ा पुश करता है, कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, तो मान लीजिए आपका ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी कम है, ठीक है ना, और ये वर्नियर के फोर्स से ही ये थोड़ा सा पुश हो जा रहा, भले मान लीजिए 1 मिलीमीटर ही दब जा रहा अंदर, तो भी आपकी रीडिंग गलत तो आई ना, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद स्टेबिलिटी विद टाइम, समय के साथ आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में या आपके मेजरिंग ऑब्जेक्ट में इनमें बदलाव आ सकते हैं। तीसरा ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी। ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी मतलब कैसा है, मैंने आपको दे दिया वर्नियर कैलिपर मेजर करने के लिए, ठीक है, इस टाइप का,
इस टाइप का, ये उसके आउटर जॉज है, ये वर्नियर कैलिपर दिया, और आपको मेजर करने के लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया है वो कुछ इस शेप का है। अब इसकी मेजरमेंट कीजिए आप, तो आपका वर्नियर कैलिपर लगेगा ही कहाँ, ज्योमेट्रिकली कंपैटिबल नहीं होगा इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है ना, तो ये अफेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, फैक्टर्स अफेक्ट द वर्क पीस टू बी मेजर, ऑब्वियस सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बता दिया, इलास्टिक प्रॉपर्टी सही, अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग द वर्क पीस, आप अपने वर्क पीस को सपोर्ट कैसे करते हैं। इंडस्ट्रीज में मेजरमेंट करने के लिए, बेसिकली इंडस्ट्रीज में मेजरमेंट करने के लिए एक टेबल होती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेबल। एक सरफेस टेबल होती है, बड़ी महंगी होती है, ठीक है ना, उसके सरफेस एकदम ट्रू किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ट्रू करना। ट्रू करना मतलब एक ही लेवल पे करना, क्योंकि हो सकता है आपका फ्लोर खराब है, फ्लोर खराब है, फ्लोर एक तरफ झुका हुआ है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम आपका जो फ्लोर था, फ्लोरिंग ऐसी है कि बिल्कुल कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा, आप नोटिस भी करते होंगे, चेयर या बेड आप लगाते हैं तो कहीं खटखट खटखट होता है, तो वो आपके फ्लोरिंग की प्रॉब्लम होगी। फ्लोरिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर आप जो टेबल रख रहे हैं उसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, टेबल की प्रॉब्लम होगी तो टेबल के लेवल गलत हो जाएंगे, लेवल गलत हो जाएंगे तो आपका जो बॉडी आप मेज कर रहे हैं वो प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगी। तो आप जहाँ पे भी, हर इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत ही एक्यूरेटली बना हुआ रहता है, उसका सरफेस बहुत एक्यूरेटली होता है, उसको ऊपर फिर एक सरफेस टेबल रहते हैं जिसकी पूरे सरफेस को ट्रू किया हुआ रहता है, ठीक है, ट्रू किया हुआ मतलब उस पर एक समान रीडिंग आया आप जहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग द वर्क पीस, ठीक है, हिडन ज्योमेट्रीज, हिडन ज्योमेट्रीज मतलब कहीं इसके अंदर में कोई हिडन ज्योमेट्री हो, उसको मेजर करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, कोई हिडन ज्योमेट्री है, मान लीजिए इसमें यहाँ पे एक होल है, अब इस होल का डायमीटर आप कैसे मेजर करेंगे, तो काफी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है सरफेस डिफेक्ट सच एज स्क्रैचेस, वेवीनेस, आपका जो सरफेस है वो ऐसा है, वेवी है या स्क्रैच है, अब आप इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे अलग वैल्यू देगा, यहाँ पे अलग वैल्यू देगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिडेबिलिटी, देखिए इसको सब ध्यान से देखिए, सब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्लीन नेट इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब अगर आपको दिखे नहीं ठीक से, मतलब आपके वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और कैलिब्रेशन एरर मतलब आपने कैलिब्रेट करते टाइम कुछ गड़बड़ रखी है। रिपीटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी मतलब आपने देखा होगा कि आपके स्केल को जैसे जैसे आप यूज़ करते हो तो उसकी रीडिंग्स मिटती जाती हैं, रिपीट करने के वजह से बार बार उसको कोई टच कर रहा है तो उसकी रीडिंग मिटती जाएंगी, एक समय के बाद तो रीडिंग ले नहीं पाओगे आप, तो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्केल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एरर क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के टाइम पे, तो देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एरर, एरर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर, एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी जो आपने मेजर की है, ठीक है ना, जो आपने मेजर की है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि सामने जो लाइन है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आइडिया है मेरे को, आप इसको एक ऑब्जेक्ट से, एक स्केल से, एक टेप से नापते हैं और आपने निकाला इसमें 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरर कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर का एरर आया रीडिंग में, 0.5 सेंटीमीटर का एरर आ गया, ठीक है ना। तो एरर क्या होता है, एरर इज मेजर्ड क्वांटिटी माइनस ट्रू क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी 9.5 और ट्रू क्वांटिटी 10, 9.5 माइनस 10, तो माइनस 0.5 का एरर आया, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एरर, मेजर्ड क्वांटिटी माइनस ट्रू क्वांटिटी। द एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, जो ये आएगा ना माइनस 0.5, या फिर मैग्नीट्यूड की बात करूँ इसको हटा दो तो 0.5 सेंटीमीटर जो है ये, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, यही है एब्सोल्यूट एरर। एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर, ठीक है ना, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एक और टर्म आती है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब होता है परसेंटेज एरर जो हम निकालते हैं, इसमें क्या होगा, 0.5 अपॉन क्या कर देंगे, 0.5 अपॉन कर देंगे 10, 0.5 अपॉन 10 कर देंगे, तो जो परसेंटेज आएगा उसी को बोलेंगे रिलेटिव एरर है। द रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, द परसेंट एरर इज द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100, जब हम उसको कंपेयर करते हैं अपने ही रिलेटिव, अपने ही एग्जैक्ट वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो आई होप एरर क्लियर होगा ना, एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एरर में देखिए एक सिस्टमैटिक एरर है, क्या क्या होता है सिस्टमैटिक एरर, सेम कंडीशन में होते हैं, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, सेम कंडीशन में होंगे, मतलब उनको आप उनका पैटर्न पकड़ पाओगे, ठीक है, और एक प्रिडिक्टिव वे में वेरी होते हैं, प्रिडिक्टेबल वे, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, और आप जब कंडीशन चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, तो इनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या होता है, दिस एरर कम्स इन अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, कोई भी एरर आ रहा है रैंडम, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, तो इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रैंडम एरर्स आर नॉन कंसिस्टेंट, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। एक होता है
पैरासिटिक एरर, पैरासिटिक एरर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट ही ठीक से नहीं पकड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल बता था ना, आप जॉब जिस टेबल पे रख रहे हो वो टेबल ही गलत है, तो आपका जो एरर आएगा वो हो जाएगा पैरासिटिक एरर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले क्या, एरर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या क्या एरर आते हैं, पहला टाइप, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो जो एरर आते हैं, फिजिकल मेजर एरर, मेजर करते टाइम एरर, ठीक है ना, मेजरिंग मैकेनिज्म एरर, मैकेनिज्म में एरर ऐसे समझेंगे कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एक टेबल पे एक हाइट गेज रखा, हाइट गेज कुछ नहीं होता, वर्नियर होता है वर्टिकल में, जब आप उसको मेजर करते हैं और उस टाइम अगर कहीं ऐसा हो जाए कि या फिर आप अपने वर्नियर कैलिपर से जब मेजर कर रहे हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई बार आपके वर्नियर में मूवमेंट खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से जो गड़बड़ आती है वो मेजरिंग मैकेनिज्म, मेजरिंग ऑब्जेक्ट के मैकेनिज्म की वजह से जो आ रहा है। जीरो एरर, इट इज द इंडिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द जीरो वैल्यू फॉर द मेजरमेंट। सबसे पहले क्या होता है, आप अपने मेजरमेंट के टाइम पे उसको बिल्कुल जीरो करके देखते हैं कि वो जीरो पे रीडिंग दे रहा है कि नहीं, ठीक है। कैलिब्रेशन पहले ही बता चुका हूँ, कैलिब्रेशन एरर इसके अंदर भी आता है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा, एरर ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से जो एरर आता है, जैसे मान लीजिए आप तराजू, तराजू देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ मेजर करवाने जाते हैं तो ये आपका बैलेंस है इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे भारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा 50-60 किलो का जब आप मेजर करेंगे, जैसे आप वो चक्कियों में जब आप अपना गेहूं पिसवाते हैं उसके बाद उसको रखते हैं तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो है नहीं कि जैसे उसने यहाँ पर रखा तुरंत उसने रीडिंग यहाँ पर, नहीं, वो थोड़ी देर ऑसिलेट होता रहता है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अब क्या, वेट तो करना नहीं है आपको कि आपने तुरंत वेट कर लिया कि हाँ ठीक हो गया, मतलब एकदम जब तक वो एकदम रेस्ट में ना आ जाए, ऐसा होने में घंटों लग जाने हैं, तो आप क्या करते हैं एक अंदाजा लगा के उसको फट से उठा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ रीडिंग में एरर है, एग्जैक्ट रीडिंग तो आपने ली नहीं। इस टाइप का जो एरर है जो इनर्शिया की वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। आगे चलते हैं, एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने में क्या क्या एरर आएगा, रीडिंग एरर गलत पढ़ लें आप, पैरालैक्स एरर, रीडिंग एरर विच इज प्रोड्यूस व्हेन द इंडेक्स हैज अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्केल एंड रीडिंग इट्स नॉट करेक्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्केल को पढ़ते हैं, स्केल को आप सीधा पढ़ेंगे यहाँ से एकदम 90 डिग्री से देखेंगे, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ कहीं जाके देख रहे हैं, ठीक है ना, जब आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ हो सकता है गलत दिखने लगे, ठीक है ना, आपके विजन की वजह से जो गड़बड़ होती है। इंटरपोलेशन एरर, ये कुछ कुछ जो इंटरपोलेशन एरर, इट इज द रीडिंग एरर विच इज द रिजल्ट ऑफ द इन एग्जैक्ट इवेल्यूएशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द इंडेक्स। ये वही बात है, ये वही बात है कि आपकी जो रीडिंग है यहाँ पे होनी, वो यहाँ चाहिए, हो थोड़ी प्रिंट यहाँ हो गए, इसकी वजह से मतलब इंटरपोलेशन, मतलब रीडिंग ही थोड़ी इम्प्रॉपर है, इसकी वजह से जो एरर आएंगे वो इंटरपोलेशन एरर में आते हैं। अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एरर, इलिजिटमेट एरर, इट शुड नॉट एग्जिस्ट, दिस इंक्लूड मिस्टेक्स एंड कंप्यूटेशनल एरर, दे क्रिएट केओस इन द फाइनल रिजल्ट, इलिजिटमेट मतलब होने नहीं चाहिए ये एरर, बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे मेजर है जो ब्लंडर्स क्रिएट फाइनल रिजल्ट में। बेस्ड ऑन कंट्रोल, देख लीजिए आप कंट्रोलेबल एरर जिनको कंट्रोल किया जा सके, कैलिब्रेशन एरर फिर से आ गया इसी के अंदर, इन्वायरमेंटल एरर, भाई इन्वायरमेंटल एरर में क्या मतलब है, स्टाइलस प्रेशर एरर, स्टाइलस मतलब क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके पास जो मोबाइल फोन रहता है उसमें पीछे एक पेन आता है, उस पेन से आप उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टाइलस, तो स्टाइलस का एक प्रेशर लगाने का एक वो होता है, हल्के हाथ से किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको दबा के छेद कर दिया स्क्रीन में, ठीक है ना, तो स्टाइलस प्रेशर एरर की वजह से भी गड़बड़ आता है। अवॉइडेबल एरर, जिनको अवॉइड किया जा सकता था, जैसे रीडिंग एरर है, आप सही पढ़ सकते थे लेकिन नहीं, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपने कहीं इधर उधर से पढ़ा तो गड़बड़ हो गई। कॉज ऑफ एरर्स, क्या क्या कॉजेस ऑफ एरर, देख लीजिए, एरर ड्यू टू डिफ्लेक्शन, मेजरमेंट करते टाइम आप कोई डिफ्लेक्शन आ जाए आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेट बैलेंस है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सब्जी वाले जो रखते हैं छोटा सा तराजू, उस पर आपने 50-60 किलो रख दिया, तो उसके बीच की जो रॉड है वो डिफ्लेक्ट हो गई, अब आप उसमें मापने में लगे हैं तो वो गड़बड़ देगा। मिस अलाइनमेंट की वजह से एरर, आपकी जॉब की आपको हाइट निकालनी है और आपने उसको रखा है टेढ़ा, ठीक है, मिस अलाइनमेंट मतलब आपकी आपको अपनी लंबाई नापनी है तो आप बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे, अब उसमें आपने झुक के खड़े हो, बेंड होके, तो आपका जो प्रॉपर है वो हाइट आएगी नहीं, तो मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर, जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाना मेजरमेंट करते टाइम, ठीक है ना, कहीं पे भी आप मेजर कर रहे हैं आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप
जो भी मेजरमेंट कर रहा है, वर्नियर कहीं ले लीजिए, तो वर्नियर करते टाइम उसको प्रेस करना रहता है, तो आप जरूरत से ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। एरर ड्यू टू वाइब्रेशन, मेजर करते टाइम मोशन की वजह से कोई वाइब्रेशन हो रही हो तो उसमें गड़बड़ आएगी। एरर ड्यू टू डर्ट, गंदगी हो, इसका मेजर करना है, 2 mm की मोटी गंदगी की परत जमी है इसके ऊपर, तो 2 mm इधर, 2 mm इधर, 4 एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर ड्यू टू पुअर कॉन्टैक्ट, आप प्रेशर ही नहीं लगाना चाहते हो, बिल्कुल हल्के हाथ चल दिया आपने, बीच में गैप रह गया, पुअर कॉन्टैक्ट है। एरर ड्यू टू वियर इन गेजेस, आपका जो गेज है, आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो पहले से खुद ही वियर हो रखा है, मतलब घिस गया है, ठीक है। एरर ड्यू टू लूजनेस, लूजनेस की वजह से कहीं इसका नट बोल्ट या फिर कहीं स्क्रू कोई लूज है, तो उसकी वजह से जो गड़बड़ अगर आएगा वो एरर ड्यू टू लूजनेस में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज की, ठीक। ये सब हमने कवर कर लिया है एक बार, इसके नोट्स मैं पहले ही दे चुका हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ इसको देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रीडिंग ही लगानी है आपको। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, पर्सनल में मैसेज कीजिए, लेकिन प्लीज़ पढ़ते रहिए। और तो ठीक है, फिर थैंक्स फॉर बीइंग द लेक्चर ऑल ऑफ यू, और अगर कोई सुन रहा है तो मैं आप लोग को एक बहुत जल्दी एक क्वेश्चन पेपर बना के देने वाला हूँ गूगल फॉर्म्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको करके मुझे सबमिट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।